ये रोती बिलखती औरत एक माँ है जिसका 3 साल का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई बाबू, भाई। 3 साल के मासूम को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हाथों में 3 साल के बच्चे की लाश लेकर बदहवास भागती इस माँ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये माँ बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की गवाह है। बच्चे को जन्म से ही सांस लेने में तकलीफ थी। जब बच्चे को ज्यादा तकलीफ हुई तो माँ बाप उसे अरवल अस्पताल लेकर गए। वहाँ से जहानाबाद रेफर किया गया और फिर जहानाबाद से पटना, जहाँ ऑक्सीजन ना मिल पाने से मासूम की जान चली गई। बुखार खांसी अब हफनी था, हम दिखाए वृद्धा हॉस्पिटल में, वो रेफर कर दिए, रेफर करे हाँ आए, 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन लगा के जाओ एम्बुलेंस में। हम गए, बोले कि भैया थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मेरा सीरियस पोजीशन में है बच्चा। वो बोले कि नहीं है गाड़ी, आ गाड़ी लगल है, 2-2, 3-3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कैसे आप जाइएगा? टेम्पो से आए थे। अब जाइएगा कैसे, पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं। हाँ पैदल जा रहे हैं। तो क्या एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं एम्बुलेंस नहीं मिला, नहीं मिला एम्बुलेंस, नहीं मिला। इस मासूम की मौत के बाद भी शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए बिहार कांग्रेस ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितने साल तक सत्ता की मलाई चखने के बाद ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि ऐसी अमानवीय घटना ना हो पाए? 3 साल के बच्चे की माँ जब अपने हाथ में लाश लेकर ढो रही होती है तो उसका बोझ शायद पूरा सिस्टम नहीं उठा सकता है। इसके साथ ही ट्विटर पर इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शेयर किया और लिखा कि मुजफ्फरपुर कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को यूं ही अमानवीय, असंवेदनशील और बेशर्म नहीं कहा था। चमकी बुखार से विगत वर्ष सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, इस वर्ष भी चमकी बुखार से मौतों की शुरुआत हो चुकी है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ICU में मरणासन है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं के बराबर है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे छोटी बीमारियों पर भी दम तोड़ देती है। ये रोटती बिलखती माँ की तस्वीर बिहार की डबल इंजन की सरकार पर कई सवाल खड़े करती है। न्यूज़ डेस्क।